हाय, ये वीडियो डेडिकेटेड है विनोद के लिए जिन्होंने हमसे पूछा था कि स्मार्ट वॉच कैटेगरी में बोट वर्सेस नॉइस में कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है जो है बोट वॉच एक्सटेंड और नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट। दोनों ही प्रोडक्ट अपने अपने प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मुझे कंपैरिजन वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। दोनों प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते समय मैंने एक कॉमन फैक्टर के ऊपर में ध्यान दिया है और वो है अमेज़ॉन की रेटिंग। तो आइए अब हम जानते हैं दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपना रिकमेंडेशन। इसके बाद आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से उसे बाय भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइसिंग से। तो बोट वॉच एक्सटेंड की प्राइसिंग आपकी 2999 से लेके 3499 तक की जा सकती है, डिपेंड ऑन कलर इसके प्राइस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। वहीं नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट की प्राइसिंग आपकी 3999 की आती है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट आपको 5-5 कलर्स ऑप्शन में मिल जाते हैं और जैसा मैंने लास्ट चेक किया था अमेज़ॉन में तो बोट में मुझे सैंडी क्रीम और नॉइज में मुझे स्मोक ग्रे वाला ऑप्शन करंटली अनअवेलेबल मिला था। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो अवेलेबल हो जाए। डिस्प्ले की बात करें तो बोट में आपको 1.69 इंचेस का कैप्टिव टच डिस्प्ले मिल जाता है। वहीं नॉइज की बात करें तो आपको 1.55 इंचेस का ट्रू व्यू डिस्प्ले मिल जाता है जो एक TFT LCD डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन 320x360 का आता है। ब्रांड के हिसाब से ये 500 निट्स तक का ब्राइटनेस आपको दे सकता है। वेट की बात करें तो बोट का ये प्रोडक्ट आपको 54 ग्राम के आसपास का मिल जाता है और वहीं नॉइज में बात करें तो आपका ये 41 ग्राम के आसपास का आता है। वाटर रेसिस्टेंट की बात करें तो दोनों ही आपका 5 ATM रेटेड आता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ATM एक तरह का इंटरनेशनल यूनिट है जो ये बताता है कि आपका डिवाइस कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल सकता है। 5 ATM का मतलब हो जाता है कि अप टू 50 मीटर डेप्थ और 10 मिनट टाइम तक के लिए आपका ये वाटर रेसिस्टेंस झेल सकता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं। एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट की बात करें तो ये आपको बोट और नॉइज दोनों के ही प्रोडक्ट में मिल जाता है और बोट की रेंज में अगर देखा जाए तो एलेक्सा का मिलना बेस्ट ऑन इट्स रेंज है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो दोनों में ही आपको 14 एक्टिव स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो बोट वॉच एक्सटेंड क्लेम करता है कि ये अप टू 7 डे लॉन्ग बैटरी आपको दे सकता है। नॉर्मल यूज़ करें तो 7 दिन शायद चल जाना चाहिए जैसा मुझे फीडबैक रिसीव हुआ और अगर हेवी यूज़ करेंगे तो 4 से 5 दिन तक तो आपको बैटरी लाइफ मिल ही जाएगी। वहीं नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट आपको क्लेम करता है कि ये सिंगल चार्ज में 10 दिन तक चल जाएगा। जबकि बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये दोनों का सेम ही आता है 300 mAh का। चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो भी सेम है अप टू 2 आवर्स तक का और चार्जिंग टाइप की बात करें तो दोनों ही मैग्नेटिक है। नेक्स्ट अगर वॉच फेसेस की बात करें तो बोट वॉच एक्सटेंड में आपको 50 वॉच फेसेस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है बोट वेव ऐप से। वहीं आपका नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट में 5 इंटीग्रेटेड वॉच फेसेस मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको मिलता है प्लेंटी ऑफ वॉच फेसेस उसके क्लाउड बेस्ड स्टोरेज से जो कि आपको नॉइज फिट असिस्ट ऐप से मिल जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो दोनों ही आपका BLE 5.0 वर्जन को सपोर्ट करता है अप टू 10 मीटर तक की रेंज में। अब काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि नॉर्मल ब्लूटूथ और BLE में क्या डिफरेंस है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि नॉर्मल ब्लूटूथ आपका बहुत ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है जिसमें बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। वहीं BLE का यूज़ वैसे केस में किया जाता है जहाँ की ज़्यादातर डेटा आपको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है और बैटरी कंजम्पशन भी काफ़ी कम होता है। हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स में आपको वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं दोनों ही प्रोडक्ट में, पर जो दोनों में कॉमन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें आपका SpO2 सेंसर, हर्ट रेट सेंसर और स्ट्रेस मॉनिटरिंग फीचर्स आ जाता है।
एडिशनल फीचर्स की बात करें तो बोट वॉच एक्सटेंड और नॉइज कलर फिट प्रो 3 असिस्ट में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वारंटी की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट एक साल की वारंटी के साथ आते हैं। और अगर Amazon रेटिंग की बात करें तो बोट वॉच एक्सटेंड आपका 4.2 की रेटिंग के साथ आता है आउट ऑफ 5, जिसमें कि 72,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। वहीं नॉइज कलर फिट प्रो 3 असिस्ट में आपको 4.1 की रेटिंग मिल जाती है आउट ऑफ 5, जिसमें कि 42,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। अब दोनों ही प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है और उसे अभी तक इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है, जैसे कि दोनों का बॉडी टाइप प्लास्टिक है। बॉडी मटेरियल की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया है और स्ट्रैप की बात करें तो सिलिकॉन का यूज़ किया गया है दोनों में ही। दोनों के ही एलेक्सा से आप किसी भी स्मार्ट अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी। इसके साथ साथ दोनों ही प्रोडक्ट में आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों ही प्रोडक्ट में आप कॉल डिस्कनेक्ट तो कर सकते हैं पर कॉल रिसीव नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से मैसेज आने पे मैसेज नोटिफिकेशन तो आप देख सकते हैं पर उसे रिप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों प्रोडक्ट में आपको GPS का फीचर नहीं मिलता है। ये दोनों ही आपके स्मार्टफोन के GPS को यूज़ करते हैं। इसके बाद दोनों ही प्रोडक्ट में आपको कस्टमाइज वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, एक डिफरेंस ब्राइटनेस में ज़रूर है कि बोट में आपको 5 लेवल की ब्राइटनेस मिल जाती है, वो भी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के साथ। वहीं आपका नॉइज में 3 लेवल की ब्राइटनेस मिल जाती है। नाउ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है दोनों प्रोडक्ट के बीच में। मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों प्रोडक्ट में मुझे डिस्प्ले साइज, वेट और बैटरी लाइफ में मिला। इसके साथ साथ मुझे जैसा फीडबैक रिसीव हुआ है, नॉइज़ का टेक्स्ट विजिबिलिटी रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है जो आपको स्क्रीन में बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है। और तो और नॉइज़ कलर फिट प्रो 3 असिस्ट के फंक्शन बोट वॉच एक्सटेंड के कंपैरेटिवली थोड़े से स्मूथ है। तो अगर आप एक डिसेंट पैकेज ढूंढ रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग तो मेरा डेफिनेटली सजेशन आपको बोट के तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2999 से स्टार्ट हो जा रही है। हाँ, इसमें आपको कलर ऑप्शन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और अगर आप प्राइस एक्सटेंड कर सकते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ, तो फिर मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा नॉइज कलर फिट प्रो 3 असिस्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।